हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टीम लीज सर्विसेज के बायबैक के टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको टीम लीज सर्विसेज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर यहाँ पे अगर आपके पास में अभी तक यहाँ पे शेयर नहीं है तो आप यहाँ पे बायबैक के अंदर अप्लाई नहीं कर पाओगे अगर आप अभी शेयर खरीदोगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो कंपनी ने रिकॉर्ड डेट दी है वो यहाँ पे 3 अप्रैल की रिकॉर्ड डेट हमें यहाँ पे नजर आती है, यानी कि 3 अप्रैल से पहले अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो ये आप यहाँ पे बायबैक के अंदर यहाँ पे अपने शेयर टेंडर कर सकते हैं। और जब तक यहाँ पे बायबैक रहेगा तो तब तक आपके पास में वहाँ पे शेयर होने चाहिए, तो ये आप यहाँ पे कंपनी के शेयर टेंडर कर पाओगे। तो इसमें अगर आप देखोगे तो लगभग 12 मई को यहाँ पे जो बायबैक का विंडो है वो हमें ओपन होता हुआ नजर आएगा और 25 मई को ये हमें विंडो क्लोज होता हुआ नजर आएगा। और अगर हम टोटल सेटलमेंट डेट की अगर हम बात करेंगे तो 5 जून को यहाँ पे जो जो बायबैक का जो सेटलमेंट है वो हमें होता हुआ नजर आएगा, यानी कि 5 मई तक आपके जो शेयर्स होंगे वो निकल जाएंगे आपके डिमेट में से जो टेंडर हुए होंगे, और उसके अलावा जो भी पैसा आपको कंपनी से मिलने वाला होगा वो आपको कंपनी से मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे रिटेल के एंटाइटलमेंट रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 17.15% का हमें यहाँ पे ये रेशियो नजर आता है, यानी कि लगभग 6 में से आपके 1 शेयर जाएंगे, यानी कि लगभग यहाँ पे 100 में से 15 से 16 शेयर आपके यहाँ पे हमें जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि कभी कभी बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जो हाइयर प्राइस पे इसको लेके बैठे हुए होते हैं तो वो यहाँ पे बायबैक के अंदर टेंडर नहीं करते, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हो सकता है कि 6 के बजाय आपके 6 में जो भी 1 का रेशियो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 शेयर भी कंपनी के हमें यहाँ पे जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो अगर आप ये कंपनी के शेयर्स अगर आप होल्ड करते हो तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपको यहाँ पे बायबैक में अपने शेयर्स टेंडर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे अभी लगभग 2100 रुपए के लगभग ये स्टॉक हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और 3050 के अगर आपके शेयर्स वहां पे जाते हैं तो अगर डेफिनेटली जो पैसा आपको उससे मिलता है तो फिर से आपको ये स्टॉक खरीदना चाहिए अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहां पे देखना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स जो आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अगर आपके पास में अगर 100 शेयर पड़े हुए तो 15-16 शेयर अगर आपके चले जाएंगे तो आपके 3000 रुपए अगर जाएंगे, तो अगर आप मार्केट में उसको 2500-2500 के लगभग भी अगर आप उसको बाय करते हो तो कहीं ना कहीं वहां पे आपके लिए अच्छा प्रॉफिट रहेगा और आपके नंबर ऑफ शेयर्स आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि आपको यहाँ पे टीम लीज सर्विसेज के बायबैक का जो टाइम टेबल है उससे रिलेटेड आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।